देख रहे हैं साधना न्यूज और मैं हूं आपके साथ निधि मिश्रा। लखनऊ और आसपास के जिलों में करीब 4000 कंपनियां ऐसी हैं जो बिना नक्शा और बिना परमिशन के गैर कानूनी तरीके से प्लॉटिंग कर रही हैं। लोगों से प्लॉटिंग के नाम पर हर माह ये कंपनियां लगभग 50,000 करोड़ की ठगी कर रही हैं। ताजा मामला HM ग्रुप का सामने आया है। इस कंपनी द्वारा HM ग्रीन सिटी के नाम से लखनऊ फैजाबाद रोड पर ग्राम दनियालपुर मजरा जरुआ में कूट रचित नक्शा दिखाकर किसानों से जबरन जमीन कब्जा कर सड़क बनवाई जा रही है। किसानों का कहना है कि हम अपनी जमीन पर सड़क नहीं बनने देना चाहते हैं, चाहे जान ही क्यों ना देनी पड़े। बाबा पठान के लोग गांव वालों से जबरन खेत के बीच सड़क बनवा रहे हैं, साथ ही सरकारी जमीन जिसमें नाली खड़ंजा नानवी परिती जमीनों का बिना समायोजन कराए प्लॉटिंग की जा रही है और लोगों को प्लॉट देने के नाम पर कूट रचित नक्शा दिखाकर करोड़ों की ठगी भी की जा रही है। मुख्तार का करीबी बाबा पठान किसानों की भूमि पर कर रहा जबरन कब्जा। जल्द रद्द हो सकती हैं HM ग्रीन सिटी की रजिस्ट्रियां। गैर कानूनी प्रोजेक्ट में हजारों लोगों के साथ ठगी। मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी के नाम पर जमकर गुंडागर्दी। ग्राम समाज व सरकारी जमीनों पर बेचे जा रहे हैं प्लॉट। कूटरचित नक्शा दिखाकर प्लॉट के नाम पर महाठगी। देश विरोधी ताकतों से फंडिंग की आशंका। पूर्वांचल के ग्राहकों के साथ प्लॉट के नाम पर सबसे बड़ी ठगी। शाहिद मुख्तार उर्फ बाबा पठान द्वारा जनता की गाढ़ी कमाई को दकारा जा रहा है। वहीं सरकारी विभाग से ना ही किसी तरह का नक्शा पास है और ना ही परमिशन। गांव वालों की माने तो बाबा पठान अपने आप को देश के प्रधानमंत्री और प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का करीबी बताकर लोगों को धमका रहा है, साथ ही प्रशासन के अधिकारियों पर रौब दिखाता है। किसानों के खेत में जबरन मिट्टी डालकर नाली को पाटकर उस पर सड़क बनाने की तैयारी कर रहा है। जानकारी के मुताबिक बाबा पठान द्वारा उसके लिए एक लंबा नेटवर्क तैयार किया गया है। अवैध प्रोजेक्ट में सैकड़ों बीघे का कूट रचित नक्शा दिखाकर भ्रामक प्रचार प्रसार किया जा रहा है। कंपनी के गैर कानूनी एजेंटों के माध्यम से तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर प्लॉट के नाम से ठगी की जा रही है। जबरदस्ती अपनी कर लिए, जबरदस्ती हमारी जमीन सर कब्जा रहे हैं। कौन? बाबा पठान। क्या है बाबा पठान? बाबा पठान अब ये फर आजमगढ़ के रहने वाले हैं सर। अब यहाँ पे आए हैं तो वही 2-3 बीघा जमीन लिए हैं, लेकिन अब ये जबरदस्ती किसानों से जमीन लेके और जबरदस्ती धमका के तो अपनी जबरदस्ती जमीन ही ले रहे हैं। अब जबरदस्ती जमीन जब पाए हैं सर, ये तो ये 40 फुट की रोड हमारे गाँव के अंदर से लेके जाना चाह रहे हैं, बिना धम बिना पैसे दिए, बिना कुछ ही किसी से पूछने बोल रहे हैं कि सर ये सरकारी रोड है। अच्छा, हम लोग जब उनसे मांगते कि सर ये सरकारी रोड है तो इसका कुछ हमें नोटिस दे दीजिए कि सरकार के द्वारा ये निकल रही तो हमें नोटिस दीजिए आप, कुछ बोलते हैं कि नोटिस नहीं है, एक वही नक्शा बना के लेके आते हैं सर ये, तो वही हम लोगों को दिखाते हैं। सरकारी मानकों में क्या है ये? सरकारी मानकों में जैसे हम लोग जैसे कुछ बोलते हैं सर इनसे तो फोन नंबर बुलाते हैं। वैसे सरकारी मानक में ये सड़क है कि नहीं? नहीं सर, ये नहीं है, ये सड़क सिर्फ यहीं तक है, इसके आगे नहीं है। मामला ये है सर, हमारे जो है जमीन हमारी वहाँ पे है और उसके बावजूद में हमारे खेत के पास में पूरा जो है कम से कम 3-5 फुट गड्ढा खुदवा दिए। हमारा लोगों का खेत अभी बरसात होगी उसी में जाएगा गिर, और ये बाबा पठान गुंडाई करके पूरा सिस्टम बना रहा है। कहीं बता रहा कि तुम्हारा खेत इधर है, कहीं बता रहा तुम्हारा खेत इधर है। हमारी मेड़ 1960 में बाबा लोग हमारे जो मेड़ बांधे थे वो आज तो कुल हमारी अभी खत्म नहीं हुई। अब ये आ रहे हैं कह रहे हैं 22 नंबर हमारा 23 नंबर है, उनका 22 नंबर है। अब वो बता रहे हैं कि 22 नंबर तुम्हारे में है। आज तक हमारी किसान की 2 किसान हमारे अगल बगल में हैं, कभी भी आज तक हमारा कोई टकराव नहीं हुआ, ना उनसे लड़ाई हुई ना भिड़ाई हुई। वो अपना जोतते बोते थे, हम अपना जोतते बोते थे। जब से ये HM सिटी जो बनाए हैं बाबा पठान, तो ये जो है पूरा गुंडाई के ऊपर काम कर रहे हैं। अगर कोई बात कहो तो कहीं 100 नंबर आ रही है, तो कहीं पे जो है बाबा पठान अपन जो है बाउंसर या बदमाश ला के यहाँ पे डंडा लाठी रात में अगर खेत चले हो तो मौका पर कहो मारहन ला गई।
जिस तरीके से आप गुंडाई की बात कर रहे हैं, प्रदेश के मुख्यमंत्री तो गुंडाई खत्म करने की बात कर रहे हैं। लेकिन मुख्यमंत्री जी गुंडाई खत्म कर रहे हैं, लेकिन ये तो जो है उन्हीं का फोटो लगा के गुंडाई करवा रहे हैं। उनका जो है एक बैनर वहां पे लगाए थे, ये को देखो वो जो लगा हुआ है गेट, वहां पे जो है इनका बैनर पूरा लगाए थे, मोदी योगी जी का, दोनों लोगों का जी। हाँ, तो बता रहे हैं कि ये जो है वहां से हम पास करा रहे हैं। तो यहाँ पे जब सरकारी हमारा रास्ता नहीं है, अगर गवर्नमेंट जो है हमको दे ये रास्ता पटवा रही है, आगरा एक्सप्रेस बना, उसका जो है मुआवजा मिला, किसानों को जो है नोटिस पहले गई, उसके बाद में यहाँ जो है उनके खाते में पैसा गया, तब जाके रास्ता निकला। हम लोगों को कोई पता ही नहीं है, वो रात ही रात अपना काम चालू कर दे रहे हैं। क्या सरकार से क्या उम्मीद कर रहे हैं? अब सरकार से यही उम्मीद कर रहे हैं कि जो है सरकार जो है हमारी बात सुने और हमारा जो है खेत जो है बच जाए और हमको जो है उनसे छुटकारा दिलाए। यहाँ मामला ये है, यहाँ की सारी जमीन गांव संक्रमणी भूमधर है, सभी काशकार, और यहाँ पे कोई रास्ता नहीं है। जो रास्ता है नाली बनी थी, नाली को उन्होंने रास्ता बना लिया, और ये धमकी देते हैं बाबा पठान जी कि हम मुख्तार अंसारी के आदमी हैं, उनकी बीवी को मैं शरण देता हूँ, हमारा नंदी से भी संबंध है, योगी से संबंध है, उनके हमने बैनर पोस्टर लगाए हैं। और इसकी शिकायत मैंने ऑनलाइन मुख्यमंत्री को भी भेजा है और DM साहब को भी दिया है, SDM को भी व्यक्तिगत बताया है, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। मुख्तार के आप संबंध बता रहे हैं इनसे, किस तरीके के संबंध? कहते हैं, बताते हैं कि हमारे उनके संबंध हैं, अब उनके जो मधुर संबंध वो जानते हैं। बिल्कुल, उनके कोई संबंध अच्छे हैं तभी तो कहते हैं हमारे अच्छे संबंध है। नंद गोपाल नंदी से मेरा मधुर संबंध है, इसी तरह हमारे योगी से संपर्क है, हम जो चाहेंगे करेंगे, तुम लोग क्या कर लोगे यहाँ पे। ठीक, राजधानी लखनऊ से सटे बाराबंकी में HM ग्रीन सिटी नाम से एक प्रोजेक्ट बसाया जा रहा है। आप देख रहे होंगे दूर दूर तक जो ये झंडे लगे हुए हैं, ये HM ग्रीन सिटी के नाम से यहाँ पे प्रोजेक्ट बसाया जा रहा है। हालांकि जो यहाँ के ग्रामीण हैं उनका ये कहना है कि इनके पास कोई भी रास्ता नहीं है इस पर जाने का, जो रास्ता है वो जबरन जो किसानों की जमीन है उसको पाट के बनाया जा रहा है, ये चकमार्ग नहीं है। इसी मामले को लेकर के हमारे साथ ज़्यादा बातचीत के लिए यहाँ का जो किसान है, जो आसपास के लोग हैं वो मौजूद हैं, और उन्हीं से जानेंगे कि किस तरीके से जो ये साइट चल रही है उस पर इनके क्या आरोप है। क्योंकि कहा यह भी जा रहा है कि जो बाबा पठान की ये साइट है इसमें अज्ञात सोर्सों से पैसा भी लगाया जा रहा है। क्या नाम है भाई साहब? रमेश चंद बैसवाल। रमेश जी, क्या मामला है ये जो HM ग्रीन सिटी है? ग्रीन सिटी वाले जो है जबरदस्ती काशकारों के खेतों में बना रहे हैं, जबकि यहाँ कोई रास्ता नहीं है, ये नाली है, नाली को पाट लिया इन्होंने, नाली पाट करके रास्ता बना रहे हैं। गांव के अंदर लेटी ने पाट दिया है, जो आप देख सकते हैं लेटिन जा दिया, पेड़ काट लिया सर जी। और ये कहते हैं कि हमारा जो है मोदी और योगी से मधुर संबंध है जी, जिससे हम जो चाहेंगे वो कर लेंगे और तुम लोगों को उजाड़ देंगे यहाँ से, ये गाँव वालों को कहा है जी। बिल्कुल, तो प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री से संबंध के साथ साथ लोगों को यहाँ से हटाने और उजाड़ने की बात कही जा रही है। क्या नाम है भाई साहब? फूलचंद। फूलचंद जी, क्या मामला है पूरा? भैया जबरदस्ती रास्ता निकाले, रास्ता कहीं है भी नहीं, सबके जबरदस्ती ना किसी को पैसा दिया ना किसी की रजिस्ट्री कराया, जबरदस्ती रास्ता निकालने सबके खेत में पाटते हुए चले जा रहे हैं। तो क्या जिला पंचायत या कहीं शिकायत करी आपने? हम लोग ये एप्लीकेशन डाले SDM साहब के, ऑनलाइन एप्लीकेशन। तो क्या जवाब मिला उसमें? लेकिन वही नेपाल साहब कहते हैं तुम्हारा प्लाट खाली नाप देंगे, बस किसी को दूसरे हमने कहा सरहा से नापिए, खाली हमारा ही निकालेंगे नाप का, दूसरे किसी नहीं। बिल्कुल, तो जिस तरीके से लोग यहाँ पर मौजूद है, क्या नाम है जी? रामलखन। रामलखन जी, क्या मामला है पूरा? यही मामला है सर, ये जबरदस्ती देखिए काला मोलम खंभा भी तोड़ दे, इसमें मिट्टी डालने जा रहे थे। अच्छा। हाँ, बाकी ना कहीं लिए है ना बनाए, कहते इधर हम 40 फीट रास्ता ले जाएंगे। गाँव वालों को तंग कर रहे हैं। जमीन आप लोगों की है? जी जी, हम लोग संक्रमणी भूमि है। बिल्कुल, क्या नाम है आपका? जगदीश। जगदीश जी, क्या मैटर है पूरा? मैटर यही है भैया, जमीन हमारी जबरदस्ती में ले रहे हैं, कब्जा कर रहे हैं, मेड़ तोड़ दिया है, हमारा 30 नंबर खेत है, वो कहते हैं तुम्हारा यहाँ नहीं वहाँ है, सब खेत वाले को ऐसे भगा रहे हैं, ना आज तक कोई बात किया है, ना हम लोग बयाना लिया, कुछ नहीं। अच्छा, क्या नाम है आपका? लाल बहादुर। लाल बहादुर जी, आपका खेत कहाँ पर है और क्या मामला है पूरा? हमारा यही खेत है। अच्छा, तो क्या ये जो ये सड़क बनाई गई है आपके खेत में बनाई गई? हाय, हम लोग पाटे थे अपने निकलने के लिए, जबरदस्ती जो है निकाल रहा है। नाली थी। अच्छा, रोड नहीं थी, नाली थी। तो कहीं शिकायत? शिकायत तो की गई कई जगह, कोई समाधान नहीं कहा। अच्छा, चलिए, तो बिल्कुल आप देख सकते हैं जिस तरीके से लोगों का यहाँ पर मौजूदगी है, और लोग ये बता रहे हैं कि यहाँ पर नाली थी और लोगों के जो
खेत थे उसको जबरदस्ती पार दिया गया है, शिकायत करी गई है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। और जो बाबा पठान है उनका साफ तौर पर इन लोगों से यही कहना है कि आपको यहाँ से उजाड़ दिया जाएगा। और हमारे मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री से काफी अच्छे तालुकात हैं। उद्योग मंत्री जो है, बिल्कुल औद्योगिक मंत्री जो है उसमें क्या क्या नाम है, नंद गोपाल नंदी जी, जी वो कहते हैं हमारी जेब में है। अच्छा। जो चाहे वो हम कर लेंगे। अच्छा। और नंद गोपाल नंदी को हमारे इतने संबंध है जो कि मैं आजमगढ़ से उनको जानता हूँ। अच्छा, तो नंदी जी ये तार वार सब कर दिए। बिल्कुल, मोदी जी का फोटो और मोदी का योगी का फोटो लगा करके लगाए रोड पे, अरे नोच ले गए। अरे सर, उनका वीडियो भी है, रिकॉर्डिंग भी है सर। वो बोलते हैं कि अगर कोई ज्यादा बोलेगा तो उसको मतलब हम पूरा गांव खाली आपको उजाड़ देंगे पूरा गांव। अच्छा सर, इतनी बड़ी धमकी देते हैं। हमारे ये पूरा प्लाट है, मेरा पूरा प्लाट इन्होंने पाटा है, पूरा पाट लिया है मेरा, पूरा ये पूरी जमीन है सारी इन्होंने पाट लिया है। लैटिन पेड़ है, सबका वीडियो भी है, मैंने रिकॉर्डिंग भी है। बोलते हैं कि अगर कोई अगर ज्यादा बोलेगा तो पूरा पूरा गांव सफाया कर देंगे आपका। इतने बड़े दादा, इतना बड़े ये पूरे मल लिखे। बिल्कुल, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश को एक उत्तम प्रदेश बनाने के साथ साथ गुंडा मुक्त प्रदेश बना रहे हैं, वहीं इस तरीके के जो बिल्डर हैं और इस तरीके के जो लोग हैं वो गांव वालों को परेशान कर रहे हैं और उनकी जबरन तरीके से जमीन कब्जा कर रहे हैं। अब देखना ये होगा कि जिस तरीके से नगर औद्योगिक मंत्री नंद गोपाल नंदी जी का इसमें नाम सामने आ रहा है, उनका क्या कुछ कहना है और किस तरीके से इस मामले में जो गाँव वाले हैं उनको न्याय मिलता है, ये तो वक्त बताएगा। वीडियो जर्नलिस्ट समर के साथ आकर्ष शुक्ला, साधना न्यूज, बाराबंकी।